अरे ये छोटी भाभी क्या कर रही हैं? ये तो भैया की अलमारी से पैसे चुरा रही हैं। ये अपनी ज्यादा चलाती है ना घर में, इनको अभी बताता हूँ। अरे भाभी भाभी वहाँ देखो छोटी भाभी क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? अरे तुम चलो तो सही, जल्दी आओ। पर हुआ क्या? अरे आओ तो सही। देखा भाभी आपने? देखा छोटी भाभी कैसे भैया की अलमारी से पैसे चुरा रही हैं? ठीक कह रहे हो तुम, वो भैया के सारे पैसे चुरा रही हैं अलमारी में से। आपने एक काम करो, ऊपर जाके भैया को बुला कर लाओ, वो मेरे कमरे में नहा रहे हैं। बहुत हो गया है इसका, वैसे भी ये पूरे घर में अपनी चलाती रहती है। इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, लेकिन सारी इसकी चलती है। और वैसे भी अब पता लग रहा है कि इस घर के पैसे जा कहाँ रहे हैं। चलो चल के बुला के लाते हैं और इसको दिखाते हैं। देवर जी गेट खोलो, देवर जी। अरे भाभी जी क्या हो गया? अब जल्दी चलो मेरे साथ। इतने घबराए हुए क्यों, क्या हो गया? अरे अब चलो तो। लेकिन भाभी हुआ क्या है? तुम्हारी बीवी ना एक नंबर की चोर है, अभी मैंने उसे तुम्हारी अलमारी में से ना पैसे चुराते हुए देखा था। मेरी अलमारी में? हाँ जी। शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम अपने घर में चोरी कर रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? भाभी ने और मेरे छोटे भाई ने तुम्हें खुद आंखों से देखा है कि तुम यहाँ पर चोरी कर रही हो। मैंने किस चीज की कमी छोड़ दी थी? हर चीज तुमको टाइम पे लाकर देता था और तुम अपने घर में चोरी कर रही हो, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी देर्या। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? बस करे भाभी, मैंने भाभी ने ना आपको पैसे गिनते हुए देखा अपनी आंखों से। तुम तो रहने ही दो, ये सब नाटक करने का कोई फायदा नहीं है। कितने टाइम से चल रहा है तुम्हारा ये ड्रामा, हम दोनों ने ना तुम्हें अपनी आंखों से देखा है पैसे चुराते हुए। अब ये सब करके ना कोई फायदा नहीं है, ये भोले बनने का नाटक ना आप बंद करो। और वैसे भी कर रहे हैं, पहले भी 3-4 बार चोरी हो चुकी है, हम तो काम वाले कांदा पे सकिया करते थे, लेकिन अब पता चला है असली चोर तो ये है। छोटे जब तक सारी बात ना पता हो तब तक बीच में नहीं बोलते। क्या झूठ बोल रहा है ये, इसने अपनी आंखों से तुम्हें पैसे चुराते हुए देखा है। आप इन दोनों की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? ये दोनों तो वैसे ही मेरे से चलते हैं। अरे मैं कैसे विश्वास ना करूं, तुमने चोरी की है या नहीं की है, साफ साफ बताओ। मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? झूठ बोल रही है ये। बस यार बस करो, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं और मैंने आपकी अलमारी में 2 लाख रुपए रखे हैं। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, मेरे पैसे चुराए हुए तुम दोबारा अलमारी में क्यों रख रही थी? मुझे पता है आपको एक सोने का ब्रेसलेट चाहिए था, इसलिए मैं 2 लाख रुपए इकट्ठा कर रही थी। और पर मुझे क्या पता था कि ये 2000 के नोट बंद हो जाएंगे? मैंने आज ही सुबह न्यूज देखी कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती? और अलमारी में पैसे इसलिए रखे थे कि वो बैंक से एक्सचेंज करवा लोगे आप, अब मैं कब बैंक की लाइनों में लगती? अच्छा तो तभी मैं सोचूं कि मेरे हिसाब में गड़बड़ी कहां से आ रही है। तो तुम पैसे चुराती थी और वो भी इसलिए कि मुझे सोने का ब्रेसलेट दे सको। लेकिन एक काम बढ़िया किया सरकार ने, 2000 के नोट बंद कर दिए, इससे मुझे अपनी बीवी की पोल तो पता चल गई। और तू छोटे, तुझे ये नहीं देखा तूने कि तेरी भाभी पैसे निकाल रही है या अलमारी में डाल रही है? और भाभी आप इसकी बातों में आ गए। पता नहीं मैं इसकी बातों में कैसे आ गई, पर अब डर तो मुझे भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी 2000 के नोट पड़े हैं। जिस तरीके से ये तुम्हारे पैसे चुराती थी, वैसे ही मैं भी तुम्हारे भैया के पैसे चुराती थी, और वो भी सारे 2000 के नोट। अभी आप भी मतलब आप भी पैसे चुराती हो? ये क्या हो रहा है, ये सारी लेडीज को हो क्या रहा है, सारे पैसे चुराने में लगे हुए हैं और वो भी आप भी 2000 के नोट चुरा रहे हो। एक काम तो बढ़िया कर दिया सरकार ने, 2000 के नोट जो बंद कर दिए ताकि सभी की बीवियों की पोल खुल सके।